हेलो दोस्तों, नई वीडियो लेकर आ गए हैं अबाउट द शिबा इनू की, जहां पर हम बात करने वाले हैं शिबा इनू कॉइन की तरफ से निकल कर आ रहे बेहद ही दमदार जानदार शानदार अपडेट्स के बारे में। 12 नंबर पर इसका रैंकिंग चल रहा है, स्टेबिलिटी यहां पर लगभग बरकरार रखी गई है। 17 वाला सीरीज भी भैया इसने टच किया है, अभी भी देख सकते हैं 16-3 वाला सीरीज चल रहा है, 3.5% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। जो वॉल्यूम है उसमें तकरीबन 46% का लॉस में 2 दिन से देखने को मिल रहा है, जो हमारे लिए एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो स्टेबिलिटी है वो बरकरार हो गई है, वो हमारे लिए एक अच्छी बात निकल कर आ जाती है। साथ में बोन के बारे में भी बता देना चाहता हूं कि भैया $1 कप का हमारा पास हो चुका है, लेकिन $41.67 का इसने सबसे ज्यादा हाई बनाया है एक साल के अंतर्गत। तो अगर भैया अभी भी समय है, जिन लोगों ने उस टाइम मिस कर दिया था जब मैंने 30 सेंट्स का बताया था, तो अभी भी मौका है। कोई बड़ी खराब बात यहां पर है नहीं, खराब कंडीशन है नहीं। जो रैंकिंग है इसका 871 पर यहां पर फिलहाल चल रहा है। उसके बाद में बात करते हैं सबसे पहले अपडेट के बारे में शिबा इनू में, जहां पर देखते हैं शिबा इनू ने फाइनली 17 वाला सीरीज टच किया 31% के रिटर्न के साथ में। अब धीरे धीरे हो सकता है हमें 8 वाला सीरीज भी जल्द ही देखने को मिल सकता है, हो सकता है 4 महीने लगाए, 5 महीने लगाए, लेकिन 2022 के अंत तक या फिर 2023 की शुरुआत तक भी अगर ये चीज कंप्लीट होती है तो भी हमारे लिए काफी तगड़ा यहाँ पर मोमेंटम निकल के आएगा, क्योंकि अपना नया ऑल द टाइम हाई बहुत ही जल्दी बना सकता है। उसके बाद में देख सकते हैं लिखा गया है कि 150 मिलियन शिबा इनू को बर्न किया गया 24 घंटे के दरमियान, जहां पर 40 मिलियन शिबा इनू को रिमूव कर दिया गया बाय द अमेज़न बर्नर, जहां पर इस टीम की मदद से हमें काफी यहां पर मदद मिलती है कि भैया लगातार टोकन को बर्न किया जा रहा है। भले ही यह संख्या भैया शिबा इनू की सप्लाई के सामने बहुत ही कम लगे, लेकिन इसी प्रकार से जितने भी लोग बर्निंग कर रहे हैं उनकी वजह से हमें काफी तगड़ा प्रॉफिट हमें लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकता है। उसके बाद देख सकते हैं लिखा गया है शिबा इटर्निटी गेम इज ऑलरेडी सीइंग ग्रेट पॉपुलरिटी इन द वियतनाम, जहां पर हमें बताया जा रहा था कि भैया वियतनाम में इसका सबसे पहला फेज शिबा इटर्निटी का लॉन्च कर दिया गया था। साथ साथ में यह भी चीजें देखी जा रही थी कि सतोशी गोसामा अपील कर रहे थे लोगों से कि यूजर्स आइए इन्हें खेलिए और बताइए कि भैया क्या क्या खामियां हैं, फीडबैक दीजिए, अपने रिव्यूज दीजिए, ताकि इस चीज में हम चेंजिंग करके पूरे विश्व भर के लिए शिबा इनू इटर्निटी गेम को पूरी तरह से ऑफिशियली लॉन्च कर सकें। उसके बाद में देख सकते हैं लिखा गया है 711 मिलियन शिबा इनू बर्निंग किए गए हैं लास्ट वीक में, जहां पर इसका जो बर्निंग का रेट है 824% दफा यहां पर बढ़ चुका है, जो एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम हमारे में निकल कर आता है कि जब भैया एक साल पहले वो भी समय था जब रियोसी मना करते थे कि भैया बर्निंग नहीं किया जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं सप्लाई को ही भैया निशाना बनाकर कई लोग यहां पर बातें कर रहे हैं और साथ साथ में बर्निंग भी लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद इसमें लिखा गया है शिब वापस भैया कॉइन मार्केट कैप के डाटा के अनुसार ट्रेंडिंग में चल रहा था, जो यहां पर 4-5 दिनों से लगातार यहां पर चल रहा है। उसके बाद इसमें लिखा गया है मोस्ट क्रिप्टो असेट्स वैल्यू हैज इंप्रूव्ड ओवर द लास्ट मंथ, मतलब पिछले कुछ महीनों के अंदर अंदर काफी कुछ ऐसे क्रिप्टो करेंसी है जिन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। यूएस डॉलर के खिलाफ भी डोजकॉइन, शिबा इनू और बेबी डोजकॉइन तीनों ने काफी तगड़ा रिटर्न यहां पर दिया है। शिबा इनू, डोजकॉइन और बेबी डोजकॉइन काफी तगड़ा यहां पर रिटर्न दे रहे हैं, जहां पर शिबा इनू सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है अभी फिलहाल के मामले में। डोजकॉइन का बात करूं तो भैया आज के दिन डोजकॉइन ने तकरीबन 10% का रिटर्न देकर यहां पर गेनर्स की लिस्ट में सबसे पहले पोजीशन पर आ गया है, और बेबी डोजकॉइन पे भी फिलहाल रिटर्न तो कम है, लेकिन फिर भी इसका जो मार्केट कैप है धीरे 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 आगे यहां पर बढ़े सकता है। और जो अगले मूव्स आने वाले हैं शिबा इनू के, जैसे सिबेरियम हो गया, अभी बातें की जा रही कि भैया 15 से लेकर 21 के बीच में हो सकता है कोई नया अपडेट निकल कर आ सकता है सिबेरियम के बारे में, और अगर यह चीज संभव होती है तो उसकी वजह से हमें शिबा इनू के प्राइजेस के साथ साथ में बोन की प्राइजेस में भी काफी तगड़े उछाल देखने को मिलने वाले। तो यही थे भैया सभी अपडेट अबाउट द शिबा इनू। और आपको क्या लगता है कि भैया शिबा इनू का जो प्राइस है 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए जितना भी है, कब तक का कंप्लीट हो सकता है? बिकॉज ज्यादा जीरो जब बचे हैं नहीं भैया, अगर 1 रुपए का बात करूं तो भैया कोई ज्यादा जीरो जब नहीं बचे हैं, लगभग 1-2-3 जीरो यहां पर अगर और कंप्लीट होते हैं 2-3 सालों के अंदर भी, तो भी 1 रुपया कंप्लीट होता है, जिसकी वजह से हमारी जो नेटवर्क है वो भी तकड़ी बूम यहां पर कर सकती है। तो यही थे सभी अपडेट अबाउट द शिबा इनू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब में कोई भी कंजूसी मत रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।